प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका जसवाल ब्लॉग। आप सभी का मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज है 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन और आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और लोहड़ी की भी शुभकामनाएं आप सभी को। सो वो मैं देख रही हूँ, देखिए मैंने कॉफ़ी बैठाया हुआ, कॉफ़ी बाहर लगे थे हो गया, बंद कर दिया। तो आज का मौसम गाइस बहुत ही ठंड है, अब तक धूप नहीं निकली है, 12:30 बज रहा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। गाइस देख सकते हो आप, धूप की नामो निशान नहीं है और चारों तरफ धुंध छाए हुए हैं, धुंध में पूरा चारों तरफ, अब तक धूप नहीं निकला है। और हमारे यूपी में यहाँ मकर संक्रांति को सिर्फ पतंग दिखाई देता है आसमान में, लेकिन अब तक यहाँ पतंग दिख नहीं रहा है। सॉरी गाइस, आप देख सकते हो दूर दूर सिर्फ एक आक पतंग उड़ रही है, देखिए आप, एक दो पतंग उड़ रही है, नहीं तो पूरे आसमान भरा रहता है पतंग से। गाइस 14 तारीख है, आधे लोग आज भी मना रहे, आधे लोग कल मनाएंगे, तो देखते हैं कल का मौसम कैसा होता है। आज गाने भी बज रहे हैं अगल बगल हमारे, अरे इतना गाना बजता है कि कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन अभी तो एक दो बज रहा है सिर्फ की आवाज़ चल रही, आ रही है आवाज़ सिर्फ अच्छी खासी, लेकिन इतना ज़्यादा शोर होता है गाना, इधर इस बिल्डिंग में गाना बज रहा है तो उस बिल्डिंग में गाना बज रहा है, कुछ आवाज़ें से सुनाई नहीं देता है, इतना शोर होता है, लेकिन अच्छा लगता, मज़ा आता है। ये त्यौहार हम लोगों का न्यू ईयर त्यौहार है, आज से हम लोग का नया साल चालू होता है। सो गाइस, आप लोग को फिर से एक बार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ और लोहड़ी की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए अब हम कॉफ़ी पीते हैं, आप भी हमारे साथ कॉफ़ी पीजिए। तो गाइस चलिए गर्मा गर्म कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं, मिलती हूँ आपसे कॉफ़ी के बाद। गाइस मैंने अपना कॉफ़ी फिनिश कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ पपीते की सब्ज़ी बनाने, कच्चे पपीते की सब्ज़ी बनाने। ये देखिए मेरी बेटी, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है बेटा, ठंडू लग रही है। मम्मा को ऐसे जुकाम हुआ है, अब तुम ठंडा लगा दो मम्मा को ना। चलिए गाइस बनाते हैं अब पपीते की सब्जी। क्या बनाऊंगी? पपीते की तद्दी। मैं बनाऊंगी पपीते की सब्जी। हाय किए हो गाइस को, हाय करो, हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग, बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे पपीता काटने के बाद। गाइस मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर दिया, तो मैं सब्जी बनाने के पहले बना रही हूँ, देखिए आटे का हलवा, आप देख सकते हो मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, आटे का हलवा बनाकर खाकर तब पपीते का सब्जी मैं बनाऊंगी। मिलती हूँ हलवा बनाने के बाद आपसे। देख सकते हो गाइस मैं हलवा बना रही हूँ, वाटर स्लोरी पाँच मिनट लगेंगे। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेरा हलवा बन चुका है, मैंने निकाल दिया, अब मैं देने जा रही हूँ सबको। आ बाबू नीचे आ, हलवा खाओ। जी लीजिए। अरे रोटी वोटी भी लाओ, रोटी खाएंगे इसके साथ। तुम्हारा नीचे निकला है, आओ पकड़िए देर। तुम्हारे साथ रोटी खाएंगे। रोटी दे देते हैं, रोटी वैसे भी बन चुका है। एक मिनट, देखिए रोटी बन चुका है, मैं उन्हें रोटी दे देती हूँ, लीजिए। हाँ मेला मिला दिया। मेला मिला, ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा है, गरम है बेटा, पीछे घस को, गरम है अभी, मत छुओ, गरम है, मीठा है, मैं भी टेस्ट करूं।
तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देने, वो ऊपर पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ाने के आगे लोग खाना पीना कुछ नहीं सोचता है। लो पकड़ो ऊपर वाला, गरम है। देखिए पतंग उड़ा रहा है लल्ला। ये मम्मी को देखे आओ, मम्मी को देखे आओ। गुड्डी उड़ा उड़ता। देखिए गाइस यहाँ पे पतंग उड़ रहे हैं सारे, क्लोज करके दिखाते हैं। सारे पतंग उड़ा है। देखिए मकर संक्रांति जाओ, आधे लोग आज मना रहे हैं, आधे लोग कल मनाएंगे। हम लोग कल मनाएंगे, तो पतंग दोनों दिन उड़ते हैं। ये मेरी बिटिया आ गई छत पे हलवा खाने। लीजिए पूरा फिनिश करना, ठीक है? मैं जा रही हूँ नीचे, पूरा फिनिश कर लेना। हाँ धीरे धीरे खाना, गरम है, गरम है, अच्छा है, टेस्टी टेस्टी है। तो भाई सब मैं भी खाने जा रही हूँ, लेकिन मैंने अपना निकाल लिया, तो मिलती हूँ मैं आपको खाने के बाद। गाइस गुड इवनिंग, शाम हो गया है। देखिए मेरा शाम का स्नैक्स समोसे, समोसे मैंने मंगाए हैं बाहर से, और मैंने कॉफ़ी मंगाया है। समोसे और कॉफ़ी जा रहे हैं, बाबा वहाँ से हटो गिर जाएगा। समोसे और कॉफ़ी जा रही हूँ पीने। वो तेल रख दो तो बेटा वहाँ पे। तो चल रही हूँ मैं समोसे खाने। सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोल्ड हुआ है मुझे, आप लोगों को पता ही है। मेरा चेहरा थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, कुछ मन नहीं कर रहा था करने का। ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। क्या हुआ? ये दोनों बहनों को देखिए, ये दोनों बहनें आपस में लड़ी पड़ी है। ना करो ना करो, लल्ला रखो उसको, ना करो। तो चलते हैं, मैं अपना कॉफ़ी पी लूँ। अभी इन लोग का शरारत स्टार्ट होगा, मैं अपना कॉफ़ी फिनिश करूँ वरना मेरे समोसे ठंडे हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे समोसे ख़त्म करने के बाद। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।